हमें ऊपर से हुक्म है कि तुझे पाकिस्तान नहीं जाने दिया जाएगा, तुझे वीजा नहीं मिलेगा। इकबाल साहब, एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? मुझे मेरे बच्चे को उसकी मां से मिलाने से कोई ताकत, कोई सरहद नहीं रोक सकती। 47 बंटवारा दो मुल्कों का। कहते हैं कि हर बंटवारा अपने पीछे कुछ विवादों को छोड़ आता है, ऐसे ही कुछ विवाद भारत पाक बंटवारे के पीछे। जो नमक हिंदुस्तान का खाता हूँ लेकिन जीत पाकिस्तान की चाहता हूँ। हिंदुस्तान का शेर आ रहा है, ये जानते हैं कि इन सब के अलावा एक लड़ाई और लड़ी गई थी। सिंह के बेटे चरणजीत सिंह को पाकिस्तान में कैद कर लिया गया है। दोनों देशों में युद्ध का माहौल बना हुआ है। तारा सिंह निकल चुके हैं। के बस कुछ ज्यादा ही बना हुआ है, लोग इसके ट्रेलर का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि गदर 2 एक हिंदी भाषी फिल्म है। ये साल 2011 में रिलीज हुई फिल्म गदर का अगला पार्ट है। इसमें आपको सनी देओल और अमीषा पटेल मेन लीड में नजर आएंगे। गदर 2 का डायरेक्शन अनिल शर्मा कर रहे हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि गदर 2 फिल्म अगले साल गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज की जा सकती है। 26 जनवरी 2023 को इस फिल्म का अलग ही एक भौकाल रहेगा, क्योंकि देशभक्ति फिल्में भारत में बड़ा कारोबार करना जानती हैं। आपको बता दें कि सनी देओल और अमीषा पटेल की गदर 2 की लगभग 80% शूटिंग पूरी हो चुकी है और जल्दी ही फिल्म को रिलीज किया जाना है। फिल्म की शूटिंग हिमाचल प्रदेश के पालनपुर और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी इसका क्लाइमेक्स शूट किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी अनिल शर्मा ने गदर 2 को लेकर के काफी ज्यादा रिवील किया था और उन्होंने बताया था कि इस फिल्म में किसी भी नए किरदार को जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी कहानी ही इस फिल्म का हीरो है। आप बता दें कि ऐसे में फिल्म का इंतजार दर्शक बेसब्री से कर रहे हैं और ऐसे में फिल्म के ट्रेलर, टीजर और बाकी पोस्टर्स का इंतजार भी लोग बेसब्री से कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि फिल्म का ट्रेलर ही बहुत जल्दी आउट किया जाएगा। अब आप बताइए कि गदर 2 के ट्रेलर को देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इसी तरह के खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।